हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Z 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Z 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर का जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थे तो 2500 से 3000 स्टूडेंट आपको जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड में गए थे, और इनका जो जनरल का जो कट ऑफ गया था 93% है और 91% गया था इन 2023 फॉर फीमेल इंजीनियर्स में। एक्सएलआरआई का जो कट ऑफ गया था 2023 का मेल और फीमेल का जो नॉन इंजीनियरिंग का वो गया था 90% एंड 88%। वही 2022 की बात करें तो 92 और 90%। बी स्कूल में जो था, जो टॉप बी स्कूल्स थे वो था XIM, MICA, IMT गाजियाबाद, IMI दिल्ली, टेप में एक्सेप्ट किए गए 80 से 90 के एग्जैक्ट की परसेंटेज। वेलिंगकर मुंबई, ग्रेट लेक गुड़गांव, XIME, बिमटेक एक्सेट्रा एक्सेप्ट किया 70 से 80%। Z 2025 के सेक्शन की बात कर लेते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से RC से 2+2, 3+3, 3 पोएम थे के 2 सेट्स पूछे गए थे, 2 क्वेश्चंस के, फिलिंग द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग 5, ग्रामर 2, पैराजम्बल 2। वे डिसीजन मेकिंग की बात करें, रमन एंड फ्लाइंग ग्रोसरी स्टोर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 के टॉपिक्स में, सालिनी एंड नलिनी, गिवन फॉर लॉयल्टी 3 क्वेश्चन, प्रोवो टेक्स सर्विस 3, गो वेल एंड सेव वेल 3 क्वेश्चन, विनीता लेमा, SUV डिसीजन 3, विमल एंड शारदा स्टॉलरिंग 3, ABC बिजनेस स्कूल 3। वही क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो था लीनियर इक्वेशन 2 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, टाइम स्टैंडर्ड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, डेटा सफिशियंसी, PNC, पॉलिनोमियल, सेट थियरी। 4 DI पूछे गए थे, एक था T20 मैच, स्टेटिस्टिक हिंज नंबर, डिस्काउंट कूपन, अमन बाय विजिटेबल्स। GK में पूछा गया था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, बिजनेस, पर्सनालिटी अवार्ड्स, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स, बुक ऑथर्स, करंट अफेयर, मिसकेलेनियस, नोबेल प्राइज, एंटरटेनमेंट। ऐसे राइटिंग में से आप देख सकते हैं सब टॉपिक से ऐसे राइटिंग पूछे गए थे। 2024 का जेड का जी टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले। अभी हम बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज कौन कौन से आपके बेस्ट बुक्स रहने वाले हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हो आपके स्टडी के लिए। वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बुक है वो अजय सिंह की बुक है, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के जो है RS अग्रवाल की बुक है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, इनके लिए बुक है RS अग्रवाल की बुक है, और एक बुक है डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जो बुक है वो है निशित के सिन्हा। डिसीजन मेकिंग की एक बुक है वो है अरिंद पब्लिकेशन की जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो। GK के लिए आप लूसेंट का GK प्रेफर कर सकते हो। 2024 के लिए डॉक्टर विनय कर्मा। ऐसे राइटिंग के लिए 151 एसेज आते हैं SC गुप्ता के, उसको आप इजीली प्रेफर कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन। Z 2025 के की हाईलाइट्स के रिगार्डिंग बात करें, फुल फॉर्म है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, कंडक्टिंग बॉडी है XLRI जमशेदपुर, नेशनल लेवल का एग्जाम है, साल में एक बार इनका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 3 घंटे और 30 मिनट का एग्जाम्स होते हैं, 101 क्वेश्चंस पूछे आते हैं MCQ में, और 1 AC राइटिंग का क्वेश्चन पूछा आता है। लैंग्वेज इंग्लिश का लैंग्वेज में पूछा आता है। रजिस्ट्रेशन का जो फीस है 2000 रुपये फॉर जनरल का डिग्री। XLRI का जो एडमिशन के लिए कट ऑफ चाहिए वो 96 से 97% है। एग्जाम सिटीज है 80+। ऑफिशियल वेबसाइट है zonline.in। 160 से ज़्यादा 20 स्कूल से जो जेड के जो कट ऑफ को एक्सेप्ट करती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन आउट होगा 15 जुलाई 2024 को, रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन स्टार्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2024, एडमिट कार्ड 29 दिसंबर 2024, एग्जाम डेट 5 जनवरी 2025, रेस्पॉन्स डेट आएगा 9 जनवरी, रिजल्ट आएंगे 31 जनवरी 2025, स्कोर कार्ड आएगा 31 से 31 मार्च के बीच में, इनका स्कोर कार्ड का आउट कर दिया जाएगा ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको नॉर्मली बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। मिनिमम आपको जो बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, आप कोई भी डिसिप्लिन से कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर के बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स हो तो आप इजीली एलिजिबल हो टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। अभी हम बात करते हैं Z 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। कब जाना है? 15 जुलाई 2024 को। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन टैब पे जाना है, आपको सिंपली आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, Z ID और पासवर्ड आ जाएगा यूनिक, जिसके थ्रू आप इजिली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फिलअप करते टाइम आपको सिंपली
लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली आपको एग्जाम सिटी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको नेशनलिटी प्रोग्राम्स आपको प्रॉपर तरीके से देना है। उसके बाद आपको सिंपली एप्लीकेशन फीस भरना है ऑनलाइन मोड के थ्रू। उसके बाद आपको सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एग्जाम के पैटर्न की बात करें, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी से 26 क्वेश्चन 26 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से 28 क्वेश्चन 28 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग से 22 क्वेश्चन, जीके से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ऐसे आता है 250 वर्ड्स का, एक तीन में से एक टॉपिक पर आपको ऐसे को लिखना होता है। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, एक करेक्ट आंसर पर 1 मार्क्स, एक गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स। अगर आप मोर देन 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस करते हो कंसेक्यूटिव लगातार तो आपको 0.10 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। अगर आप इसके अंदर जीके सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सिलेबस की बात करें वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी में, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, एनालॉजी, पैरा एग्जांपल, ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, फिल अप इन द ब्लैंक्स। डिसीजन मेकिंग में आएगा डेटा अरेंजमेंट, कंडीशनिंग, ग्रुपिंग, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, कैसलेट, एजम्पशन, प्रेमिसेस, कंक्लूजन एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स है वो अरिथमेटिक, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परसेंटेज, सर्च एंड इंडाइसेस, मेंसुरेशन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, टेबल, डेटा इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा। जनरल नॉलेज की बात करें वो बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी, स्पोर्ट्स, प्राइज इन वर्ल्ड, गवर्नमेंट अवार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। अब इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको नई वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।